आप सभी के साथ शेयर करूंगी समर स्किन केयर रूटीन स्पेशली फॉर टीनेजर्स, क्योंकि गाइस जो टीनेजर्स होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है वो कौन से प्रोडक्ट्स कैसे अप्लाई करें, कब करें, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आज मैं आप सभी के साथ वही शेयर कर रही हूँ किस तरीके से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं एंड उसको लाइट एंड ब्राइट बना सकते हैं, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, इन सारी चीज़ों से हम कैसे अभी से ही अपने फेस को बचा सकते हैं। हम अपना डेली में स्किन केयर रूटीन फॉलो करें कि जिससे हमारा फेस इन सारी प्रॉब्लम से बचा रहे, हमारे फेस पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स से हम दूर रहें। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रियल सीसी का एंटी टैन फेस वॉश, जो कि हमारे फेस से टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ही वर्क करता है। सनबर्न, टैनिंग, ये सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है, पैराबिन फ्री होता है, तो फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसको यूज़ करिएगा, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। वॉश करने के बाद हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रोज़ा का हर्बल स्किन टोनर। आप जो भी यूज़ करते हो टोनर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर को भी एज अ टोनर अप्लाई कर सकते हैं। रोज़ एलोवेरा एंड मिंट एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि हमारे स्किन, हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे सारे ओपन पोर्स को क्लोज कर देता है। जब भी हम अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करें गाइस, कभी भी टोनर को स्किप मत करिए। सबसे पहले फेस को वॉश करने के बाद आप टोनर को अप्लाई करिए अच्छे तरीके से। मैं पैक मोशन में अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस एंड नेक पे। अपने फेस पे टोनर अप्लाई करेंगे। टोनर अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम अपने फेस को इसी तरीके से छोड़ देंगे। 2 to 3 मिनट्स हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर, जो कि हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, बहुत ही अच्छा वर्क मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो डेली, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पर इसको एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। मॉइस्चराइजर के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है सनस्क्रीन, क्योंकि गर्मियाँ इतनी तेज है तो सनस्क्रीन को तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँ यहाँ पे लैक्मे सन एक्सपर्ट की अल्ट्रा मैट जेल, जो कि 50+ SPF के साथ आती है। ये बहुत ही नॉन स्टिक की सी क्रीम है, तो आप इसको देख सकते हैं। के साथ लिप्स की केयर करना बहुत ज़रूरी है, लिप्स को मॉइस्चर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ वैसलीन लिप केयर का, रोजे लिप्स, तो मैं उसे भी थोड़ा सा अपने लिप्स से अप्लाई कर लूँगी। यह हमारे लिप्स को पिंकिश करता है और बहुत ही नेचुरल सा ग्लोइंग सा लुक देता है। बस ये हमारा मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन। अगर घर पे हैं तो आप इतने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर जाना है देन आप सीसी, बीबी क्रीम, आईलाइनर, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको फॉलो करिए, इस मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन को, एंड अपने फेस, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए।